हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.1 का 5 नंबर तक क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चंस का देखेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको क्या कर रहा है कि जो दिया हुआ फंक्शंस है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आपको मैं 6 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 6 नंबर का सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको y मान लें। लेट y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर आपका 7/2। हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2। dy/dx इक्वल टू, थोड़ा यहाँ बात आपको समझना कि सर 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चैन रूल यूज करेंगे। कैसे सर चैन रूल यूज करेंगे? तो हम लोग 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2 किसके रिस्पेक्ट में, तो पूरा फंक्शन से इसका पावर है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, बेस के रिस्पेक्ट में। बेस में क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा बात कि सर हम लोग यदि x टू द पावर n रहता था और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो n लिखते थे, x टू द पावर n माइनस 1 लिखते थे, मीन्स पावर को मल्टीप्लाई करते थे सर, पावर में माइनस करते थे 1। इसी प्रकार से यदि आपको मैं कहूँ कि z टू द पावर n है और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n लिखेंगे और z टू द पावर n माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसा ही समझो कि ये सर z है, z टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू z, तो कितना होगा, n होगा, n होता है ना, n मल्टीप्लाई होता और सर जे टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स आप सर 7/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये समझ गए ना? पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, आप पावर में एक माइनस करते हैं नहीं, इंटू। अब ये तो आसान हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर और x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा, 2x होगा, प्लस 6 इंटू x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 1 और 5 कांस्टेंट इसका डिफरेंस 0। आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू, पहले इसको देखो हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 है ना, तो ये हो गया आपका 7/2 इंटू 6x प्लस 6 इंटू 3x² प्लस 6x 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखो यदि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो एलसीएम 2 लेंगे तो 7-2 और डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा 5/2। आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कितना कॉमन, 6 कॉमन हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 7/2 इंटू 6 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 5/2। यहाँ कैंसिल कर दो, ये 2-3 बार में कैंसिल होगा है ना, तो आप इसको 7×21 एक्स प्लस 1 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 5/2 लिख सकते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा है ना, 21 आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना, 7 नंबर हम लोग देखेंगे। 7 नंबर आपका क्या, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको वाई मानेंगे। लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x/5, इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये dy/dx इक्वल टू dy/dx इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x/5, ठीक है ना? हमको क्या करना है सर, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे नहीं है ना, हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे पहले, तो dy/dx
इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे सर अंडर रूट 5 + 2x माइनस 4x^5 को किसके रिस्पेक्ट में, पता है देखो रूट ये रूट है ना पावर से बेस के रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये बड़ा आसान है। तो हम लोग सर रूट के अंदर में क्या 5 + 2x माइनस 4x^5 इंटू फिर हम लोग 5 + 2x माइनस 4x^5 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं कि सर यहाँ याद कीजिए कि रूट एक्स को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/2 √x लिखते थे, उसी प्रकार से यदि रूट जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 √z होगा। तो आप कुछ पल के लिए इसको बोलो रूट जेड विथ रिस्पेक्ट जेड 1/2 √z, जेड मीन्स 5 + 2x माइनस 4x^5 इंटू अब ये 5 कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 प्लस 2 × 1 हो जाएगा माइनस 4 और x^5 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 5x^4। dy/dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ आएगा 2 − 20 x^4 डिवाइड बाय 2 √5 + 2x माइनस 4x^5। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लीजिएगा dy/dx इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 − 10 x^4 डिवाइड बाय 2 √5 + 2x माइनस 4x^5 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये वाला आंसर हो गया, समझ गए है ना। तो ये 7 नंबर, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, मिटा दे रहा हूँ इसको। एट नंबर देखिए, लेट y इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यूब, ऐसे आप देखिए 8 नंबर देखिए और 9 नंबर देखिए है ना, दोनों क्वेश्चन लगता है सर सेम है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग। तो हम इसको लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, लिखते डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dy/dx इक्वल टू dy/dx इंटू साइन कॉस एक्स क्यूब, ठीक ना। dy/dx मेन आपको यहाँ समझना है, ये तो हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, यहाँ देखो साइन कॉस एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो डायरेक्ट हम लोग इस टाइप के फंक्शंस को डायरेक्ट हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्या करते हैं चैन रूल अप्लाई करते हैं ना। तो चैन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान, देखो आप डिफ्रेंशिएट करो साइन कॉस एक्स क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, आप देखिए साइन ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन देखना है इसका एंगल में क्या, एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सर एंगल में हमको कॉस एक्स क्यूब दिख रहा था, कॉस एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में फिर इंटू कॉस एक्स क्यूब के, इसका एंगल में क्या दिख रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में इंटू फिर सर हम लोग एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट, ये हो गया चैन। बाकी आप इसका आगे आराम से लिख सकते हैं, इसको कैसे ट्रीट करेंगे साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा, तो कॉस थीटा होता है नहीं, तो कॉस और थीटा के प्लेस में सर कॉस एक्स क्यूब इंटू यदि साइन यहाँ देखो कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस साइन थीटा के प्लेस में कितना एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 3x² dy/dx का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू इसको लिख दो कॉस कॉस एक्स, क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग देखते हैं, 9 और 8 दोनों सेम है ना, 9 नंबर और 8 नंबर दोनों क्वेश्चन आपका क्या है सेम है, इसको भी हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू dy/dx इंटू कॉस साइन एक्स, देखो ये 8 नंबर जैसा क्वेश्चन था वही है ना, सिर्फ देखो सर यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है ना उतना ही अंतर है, और यहाँ सर कॉस है तो यहाँ साइन है, उसी टाइप से हम लोग चैन रूल अप्लाई कर देंगे, हम लोग सर डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस साइन एक्स क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में क्या साइन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू
सर फिर साइन एक्स क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, और इन टू एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट। ये आपको चैन रूल खाली अप्लाई करने आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको कुछ नहीं बोलो सर, साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट, सॉरी कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना लिखते हैं माइनस साइन एक्स। उसी तरह से कॉस यदि थीटा रहेगा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो आप लिखो इसको, इसको पढ़ो, कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा किसको बोल रहे हैं साइन एक्स क्यूब को, इन टू साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में तो कॉस थीटा होता है तो कॉस एक्स क्यूब, और इन टू एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, माइनस लिख दो थ्री एक्स स्क्वायर है ना, इसको पहले लिख देते हैं कॉस एक्स क्यूब और इन टू साइन साइन एक्स क्यूब। आप लोगों को आसान लग रहा हो नहीं, सिर्फ हम लोग साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर जानते हैं वही हम लोग यूज करें, जहाँ यहाँ जो एंगल में थीटा रहेगा थीटा रख देते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। टेन नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इन टू साइन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, समझना है साइन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को सर किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं सर, है ना, हम तो चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, शुरू से ही यहाँ चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सर कंपोजिट फंक्शन है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें सर, साइन जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे है ना, साइन दिख रहा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में सर, इसका एंगल के रिस्पेक्ट, एंगल में क्या अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स इन टू फिर इसको ऊपर ले जाएंगे मतलब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, इस देखो ये तो अंडर रूट एक प्रकार सर पावर है, वन बाई टू पावर है, इसका बेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बेस में क्या आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट फिर इसको ऊपर ले जाए इन टू मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर किसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इधर ये चैन रूल आप अप्लाई कर दिए तो इधर बहुत ही आसान हो गया आपको, यदि साइन थीटा नहीं बोलिए तो साइन एक्स भी आप कह सकते हैं, साइन एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं सर कॉस एक्स लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा लिखते हैं। तो आप इसको बोलो साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, कॉस और थीटा किसको कह रहे हैं वो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को इन टू, यदि रूट एक्स रहता है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन बाई टू रूट एक्स लिखते हैं, सबसे ज्यादा यूज करें इसको। यदि रूट जेड रहेगा और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू रूट जेड लिखेंगे, तो वन बाई टू रूट जेड किसको कह रहे हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू, ये तो वन, ये सब वन कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेगा तो टू एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है ना, ये आप चाहें तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो सर आपका, ये तो आपका 2x हो, 0 प्लस 2x, 2x, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अब मैं लिख देता हूँ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये मैं जो क्वेश्चंस बताया 10 तक वो आपको समझ में आया, 10 के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, कम से कम ये क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा, इसका आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। चलिए थैंक यू।